हाँ, मैं रंजीत धानीवाल डरकंडो से सिरसा। आज माननीय डीसी साहब और एसपी साहब की अध्यक्षता में, उनके डायरेक्शन में, उनके आदेश के अनुसार हमने अब चेकआउट करिए तो दो दुकानें चेक करी है, श्रीराम फार्मेसी नोरिया बाज़ार और अपना कपिल मेडिको नोरिया बाज़ार, अभी दोनों चेक करिए। हम इनको पुलिस ऑफिसर की तरफ से कोई मुखबरी थी कि नशा बेचते हैं, मगर आज ऐसा कोई नशा नहीं मिला। हमने सारा चेकआउट किया है और जो ड्रग एक्ट के अन्य अलग से अनियमित आए हैं उनके लिए हम इनको नोटिस देंगे, आगामी ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। दस्तावेजों में भी कमी पाई गई? दस्तावेजों में बेसिकली जो ड्रग एक्ट में जो प्रोविज़न है उनमें कमियां हैं, जैसे होलसेल का रिकॉर्ड नहीं दिया इन्होंने, तो उस तरह का जो रिकॉर्ड है इनका सच मेमो होता है कैश मेमो, वो नहीं दिया, तो अलग से होती है जो एक्सपायरी ड्रग है उनको कैसे रखना है, ये अनियमितताएं जो ड्रग एक्ट की अनियमितताएं हैं। बेसिकली हमारा पर्पज है नशे का, नशे में उपयुक्त होने वाली दवाइयों का हमें उसको कंट्रोल करना, स्टॉप करना है, हमारा मेन पर्पज ये है। तो सर अन्य मेडिकल वालों को आप क्या सुझाव देना? मेरा ये सुझाव है ये डेली चलेगा, ये डेली चलेगा, चेकिंग डेली, हाँ जी डेली चलेगा, और ये मुहिम है और हम इसको ख़त्म करेंगे। अगर कोई मेडिकल नशा बेचता पाएगा ख़त्म करेंगे, सील करेंगे, एक्शन सख्त से सख्त एक्शन, कैंसिल ही कर देंगे लाइसेंस। किसी तरह की कोई डिलाई? हाँ, मैं अपने रिकमेंडेशन भेजूंगा, मेरे लाइसेंस थोड़े को कैंसिल करें। जिनके द्वारा डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है उन पर डॉक्यूमेंट की जाएगी? नहीं, डॉक्यूमेंट का पूरा उसमें कार्रवाई हमारे ड्रग एक्ट की बनती है, जिसमें हमें सस्पेंड करते हैं कुछ दिनों के लिए, वो हमारी एक लाइसेंस अथॉरिटी का अलग कार्रवाई है, मगर उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम कैंसिल कर सकें। कैंसिल का मेन क्राइटेरिया हमारा नशे में प्रयुक्त होने वाली दवाइयों का। फिलहाल दोनों मेडिकल पर नशे में? हाँ, नशे में प्रयुक्त होने कोई दवाई नहीं मिली, और आगामी कहीं भी और मिलती है तो हम सील भी करेंगे और कैंसिल भी करेंगे लाइसेंस।